दाऊद ने गोलियत को मारा, मारा कि नहीं मारा? किसने कहा मारा? अरे कॉन्फिडेंस रखो, मारा। कैसे मारा? गोफन से। कब चलाना सीखा गोफन? जब वो बिल्कुल छोटा था। परमेश्वर तब आपकी तैयारी करता है जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं, आपको लगता है परमेश्वर मेरे संग नहीं, जीवन में संघर्ष चल रहा है, वो तब आपकी तैयारी करता है। और बाइबल कहती है जब वो उस संघर्ष के दिनों में भी प्रभु के साथ वफादार रहा, एक समय आया जब गोलियत को मारना था तब उसने प्रेयर नहीं की, उसे मालूम था परमेश्वर उसके संग है, क्योंकि वो वरदान परमेश्वर ने पहले से उसकी लाइफ में एस्टेब्लिश किया हुआ था। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? वो वरदान तभी काम नहीं किया कि अब इमरजेंसी है, सारा जीवन प्रभु को पुकारा नहीं, अब गोले सामने है तो बोलो पत्थर लाओ, पत्थर मारता तो गोलियत के गोले तो ऐसे ही करता बस और हंसता उसके ऊपर। लेकिन वो उस गिफ्ट में शाइन कर चुका था, क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद के भाई दाऊद से नफरत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि दाऊद धर्मी था, वो उनके पापों का समाचार पिता को देता था, और दूसरे भाई जो थे वो धर्मी नहीं थे, प्रभु के वचन से दूर थे। इसलिए शैमूल जब मसा करने के लिए उनको आया था तो परमेश्वर ने कहा था नहीं, ये भी अयोग्य है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, हाँ दाऊद को मसा कर। इसका मतलब प्रभु ने दाऊद को परखा था। जो धर्मी होता है कई बार वो सबके साथ मिलके नहीं रह पाता, तो उसके जंगल में जाने की शुरुआत तब से हुई जब वो प्रभु को मानने लगा और पाप से दूर रहने लगा, इसलिए उसकी भाइयों के साथ बनती नहीं थी। जब भाइयों के साथ घर में कलेश रहता था तो बाप बोलता है छोड़ो यार लड़ाई झगड़ा, इसको भेजो, ये ले भेड़ बकरे, चल भाग जा यहाँ से, चल बाहर काम करेगा, केड़ा मुंडा का रोन लड़ता और उनको चल यार तू राशन लाया, चल तू मासी नु मिलिया, आ मासी नु दे, चल दो दिन दी, उसको बाहर ही भेजते रहते, ये घर में रही ना ये कलेशी इंसान। हाँ, लेकिन वो कलेश क्यों होता था? क्योंकि दाऊद पाप में नहीं था। जब आप पाप में नहीं होते आपको नफरत आती है उन चीज़ों से जो लोग करते हैं, और बाइबल कहती है उस वजह से उसका पिता उसको जंगल में रखता था भेड़ बकरे को चराने के लिए। जब वहाँ भेड़ बकरे चारता था उसकी ज़रूरत थी कि अब भेड़ बकरियों को चराना है तो खुद भी बचना है, भेड़ बकरे को बचाना है, गोफन चलाना सीखा। वही गोफन, वही गिफ्ट, वही वरदान गोलियत को मारने का कारण बना। जब गोलियत को मारा सेवकाई की शुरुआत हुई, वहां से राजा बनने की शुरुआत हुई, वहां से वो राजा बना, वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सकता।